इस्तांबुल की ठंड से मेरबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं फहीम अहमद, जो VIS क्रेडिट रेटिंग कंपनी लिमिटेड के CEO और प्रेसिडेंट, और साथ में दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एसोसिएशन ACRA के को फाउंडर और अभी करंट वाइस चेयरमैन भी हैं। तो फहीम अंकल, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती क्या है, लाइक कि काफी सुनने में नई चीज है मेरे लिए। असल में यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो लाइक समटाइम्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन माय प्रोफेशन कि मैं करता क्या। सो दैट इज हाउ यू नो इट्स अ वेरी डिलेमा ये है, एंड इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल अजीब बात है कि ये कंपनीज मोर देन 120 ईयर से ऑपरेट कर रही हैं। क्यों? तो अब क्या हुआ, अमेरिका में 1906 में अब डेवलपमेंट शुरू हुआ अमेरिका में। पहले क्या होता था, ट्रेड उनकी अगर तुम देखो उनके नक्शे में तो उनके रिवर्स मिसिसिपी इधर उधर वो सारे रिवर्स में जाती थी, मगर उन्होंने क्या सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और सारी स्टेट्स को मिलाने के लिए आपको रेलवे सिस्टम चाहिए। ओके, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था ये USA का 1906 में। तो उसने क्या किया, जैसे पैसिफिक रेलवे था, उसने सोचा यार ये तो जमाने में कि मैं 100 साल का बॉन्ड लाऊंगा। अब खुद सोचो कि कोई 100 साल का उधार मांगे, तो अब आप ये सोचोगे कि मेरे हो सकता है पोते नवासियां लेंगे जाकर, और तब तक तो कंपनी शायद रहे या ना रहे। बिल्कुल, हाँ रहेंगी नहीं रहेंगे, ये कंपनी होगी नहीं होगी, ये मुल्क होगा नहीं होगा जी, कितनी सारी एलिमेंट्स आ गए राइट। तो 1906 में इन लोगों ने, एक आदमी आया उसका नाम मूडीज था, ओके, उसने ये कहा कि मैं इस कंपनी में जाकर तहकीक करूंगा और मैं इसकी रेटिंग्स दूंगा कि आम लोग समझ सके, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट प्रोफिशिएंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑडिटेड अकाउंट्स, और जो वो टेक्निकल जो चीजें वो उधार लेना चाह रहे हैं, जो किताब लिख रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सिंपल वर्ड में, जैसे तुम स्कूल जाते हो, स्कूल के अंदर क्या ग्रेड आता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड पर अम्मी अब्बा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं तुमने अच्छा काम नहीं किया राइट। बी ग्रेड बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा और मेरे फैमिली में आप देखें कितने अच्छे लोग हैं, या आपके अब्बू ने अगर कोई काम अच्छा किया, उनको किसी ने बोला कि आप ए रेटेड हैं, या तो उन्होंने क्या किया, ए बी सी डी का स्केल शुरू किया। तो जिस तरह से स्कूल में है, जिस तरह से स्कूल में ग्रेडिंग होती है, उसी तरह से कंपनीज की और कंट्रीज की भी ग्रेडिंग इसी तरह से आती है। बिल्कुल यही, ये कितनी, इनका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है। हाँ बस यही आ गया। अच्छा फहीम अंकल, आप रेटिंग एजेंसी के बारे में बात करें, लेकिन आप जिस तरह की रेटिंग करते हो स्पेसिफिकली इस्लामिक रेटिंग होती है तो नहीं अभी नहीं, पाकिस्तान के अंदर दोनों है, दोनों अब ये कानून है। अच्छा, मलेशिया में भी पूरा कानून है। अब मैं आपको जैसे सूडान का बताऊं, सूडान में सिर्फ इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वो सुकूक ला सकते हैं। ओके, मगर गो के मलेशिया के अंदर दोनों चीजें हैं, राइजुल वक्त हैं, मगर दुनिया का सबसे बड़ा सुकूक मार्केट मलेशिया में है। ऑलराइट, और वो तकरीबन $300 बिलियन का है। उफ़। अच्छा फहीम अंकल, आप जो रेटिंग्स देते हैं तो जो उनकी कोई रैंकिंग बनती है और क्या वो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है? अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान में रेटिंग एजेंसी का कानून बना 1996 में बाकायदा, मलेशिया में 1990 में बन गया, इंडिया में 1990 में बन गया। पाकिस्तान वॉज वेरी लकी कि जब बना, मगर उसके समरात और फ्रूट्स अभी तक हम लोग का डेट मार्केट या सुकूक मार्केट में तौर पर नजर नहीं आए, मगर रेटिंग्स उन्होंने पाबंदी लगाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और सिर्फ दो ही रेटिंग एजेंसी हैं पाकिस्तान में, जैसे अमेरिका में अब उन्होंने बढ़ाकर 10 करी हैं। okay. इसका मतलब ये हुआ कि वो ही गवर्न ज्यादातर करते हैं, चाइना में भी 4-5 हैं। तुम सोचो चाइना की भी इकोनॉमी $16 ट्रिलियन की है, और ज्यादातर यही फिच मूडीज और अमेरिकन कंपनीज भी वहां हैं, और उनकी भी एक दो कंपनीज हैं। क्यों? इसके लिए आपको रिसर्च, आपके जो प्रमोटर्स हैं
उनकी हिस्ट्री, जैसे कहा ना आपने खुद ही कहा, उन पर एतबार होना चाहिए जो ये लिख रहा है, क्योंकि जज तो देखो ये जजमेंट हुआ ना किसी कंपनी के ऊपर, अगर आप फर्ज करो कि पैसे ले लें, ज्यादा फी ले लें और आप बोलें कि मैं आपको अच्छी रैंकिंग दे देता हूं, तो आपको पास कर दिया, तो कंपनी आगे जाकर क्या होगा, इतने सारे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हाईली रेगुलेटेड है ये बैंक से ज्यादा रेगुलेशन है इसके ऊपर, रेटिंग एजेंसी पर दुनिया भर में। अब इस्लामिक कंट्रीज में बहुत कम कंट्रीज हैं जहां रेगुलेशंस बनी। तुम सोचो 120 साल गुजरने के बावजूद लोग जो थे, ब्यूरोक्रेसी जो थी, वो इसको ग्रैपल नहीं कर सक रही कि डेट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, जैसे मलेशिया ने किया। मलेशिया इज द प्राइम एग्जाम्पल इन ओआईसी कंट्रीज, सारे 54 इस्लामिक कंट्रीज में मलेशिया इज द ओनली कंट्री विच हैज अ गुड बैंकिंग सिस्टम, गुड इंश्योरेंस सिस्टम एंड गुड स्टॉक मार्केट एंड अ गुड डेट मार्केट। यानी कि टेबल के तीन टांगों के ऊपर आप खड़ा कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमी को, दो टांगों पर नहीं खड़ी कर सकते आप टेबल, मीनिंग बैंकिंग एंड सिर्फ इक्विटी मार्केट, ये गिर जाएगी टेबल। तीन जैसी आप तीसरी टांग लगाएंगे तो टेबल स्टेबल हो जाएगी, विच इज द डेट मार्केट। सही, अच्छा क्यों अंकल, एक जी आपने मेंशन किया कि मलेशिया एक प्राइम एग्जांपल है, तो जो आपकी रैंकिंग होती है कंट्रीज की, उसमें टॉप थ्री कंट्रीज कौन सी हैं जिनकी क्रेडिट डेट मार्केट सबसे अच्छी रही है? हाँ, अच्छा देखो इसके अंदर G7 का जब भी आप नाम लेते हैं जी, तो G7 इकोनॉमीज वो हैं जो बहुत बैलेंस्ड इकोनॉमीज हैं, उनका ट्रेड डेफिसिट नहीं होता, उनकी यहाँ निज़ाम बहुत अच्छा है, ब्यूरोक्रेसी करप्शन में नहीं है। तो G7 के अंदर तुम्हारी बेल्जियम आती है, तुम्हारा स्वीडन आता है, UK आता है, तुम्हारा जापान आता है, हाँ ये सारी ट्रिपल ए रेटेड कंट्रीज हैं। ओके, तो ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली हैं। ये हाईएस्ट रैंकिंग है। अब उसके नीचे बहुत सारी, यानी तो टर्की, अब मिसाल लेते हैं AA के अंदर सऊदी अरेबिया है क्योंकि उसके पास ऑयल है, हाँ चाइना भी AA रेटेड है, मगर मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि वेस्टर्न जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं वो अपने स्टैंडर्ड से बेंचमार्क जो उन्होंने बनाया हुआ है अपनी कंट्री का, उस हिसाब से देखते हैं जो ठीक नहीं है, थ्रेशोल्ड के हिसाब से देखते हैं। मैंने अपनी जद्दोजहद ये करी 1997 में, मैंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को ये कहा कि देखें ये कंपनी का जो बेंचमार्क है ये फर्क तरीके से आपको नाप रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी डिफरेंट है, उनकी उधार के ऊपर है, उनका इंटरेस्ट के ऊपर है, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर 100 साल से डेवलप कर लिया है। तो जो कंट्रीज अभी डेवलप कर रही हैं, अगर आप उनको लो रेटिंग देंगे, ग्रेड ही नहीं देंगे, हाँ तो फिर आप ये मुझे बताएं कि वो उधार कहां से लेगा, वो अपनी गेम बना के साइकिल में फंसा रहेगा, अपने रूल्स के हिसाब से आपको खिला रहे और फिर आपको हरा रहे बार बार कि नहीं ये रूल है आप हार गए, ये रूल है आप हार गए, बिल्कुल यही है। और उनके पास तीन ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो रेट करती हैं, जो 125 साल से हैं, उन्हीं के इन्वेस्टर मानते हैं, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स कौन है, G7 कंट्रीज में है, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है। अच्छा, गरीब कंट्री में तो नहीं है, तो फ्लो नहीं हो सक रहा फ्रॉम अमीर कंट्री टू गरीब कंट्री बिकॉज रेटिंग का सिस्टम नहीं है। अरे फेमंकल, ये एक काफ़ी टेक्निकल इन्वायरमेंट है, तो मुझे ये पूछना है कि आप इस करियर पाथ में आए कैसे और दूसरे इस करियर पाथ में कैसे आ सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट हो तो? अच्छा देखें, इसके अंदर ये सिर्फ बहुत डेडिकेशन की बात है, क्योंकि आप एक, मैं आपसे अगर ये बोलूं, आपको इसकी मिसाल देता हूं, आप ही के तौर पर, आप लोगों के जो उम्र के लोग हैं, आप सैमसंग इस्तेमाल करते हैं और एप्पल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बहुत आप मालूम है आप लोगों के लोगों को कि एप्पल क्या, आईफोन क्या होता है। तो आप ये बोले, कोई आपके पास ये एक आदमी आकर ये बोले कि इलियान भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि एक मुशारका, एक हम लोग कंपनी बनाते हैं जो अगले 5 साल में 10 साल में एप्पल बन जाएगी, एप्पल बनाते हैं हम लोग, आईफोन बनाते हैं और उसके टक्कर पर आ जाएंगे, ठीक है, ये ऐसा ऑर्डर है, ऐसा वो बात कर रहा है कि जो आप सोचेंगे ये सही काम बात नहीं कर सक रहा, इसको समझ नहीं आ रही कि एप्पल है क्या, क्यों एप्पल जो था वो 1980s में बना, गैराज में बनाया, या माइक्रोसॉफ्ट बना, गैराज में बनाया 1970s के अंदर उनके लोगों ने, तो आज 50 साल हो गए, राइट, बिल्कुल,
50 साल में वो यहां पहुंचा। तो वो जो 50 साल का सफर था, जो उसने पैसे बनाए, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया, उनकी पूरी रिसर्च थी। तो अब आप मुझसे ये बोले कि मैं आया क्यों और मैं क्या कंपीट S&P मूडी से कर सकता हूं जो 120 साल से है। ये वही वाली बात हो गई ना कि आपके पास, क्योंकि लोग तो उनमें ट्रस्ट करते हैं ना, आईफोन में ट्रस्ट करेंगे ना, सैमसंग में ट्रस्ट करेंगे ना, वो फर्ज करो फहीम फोन में तो ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं अपने नाम से कोई बना लूं ऐसे, नहीं नहीं मैं करता ट्रस्ट उस पे। नहीं, मगर बात ये हो रही है, बात ये हो रही है कि वो बहुत डिफिकल्ट काम है ना कि आप उनके, तो इसलिए कहने की बात ये कि ये मोनोपोली है, ये ओलिगोपोली है, ठीक है ना। इन लोगों की ओलिगोपोली है कि तीन लोगों को अमेरिका ने इतना पावरफुल बना दिया कि वो डॉलर के मूवमेंट के ऊपर उन्होंने पीछे से पाइप को पकड़ लिया और ये लोगों को मालूम ही नहीं है, वो इनविजिबल हो गए। आर्मी से ज्यादा पावरफुल ये तीन रेटिंग एजेंसीज हैं क्योंकि वो पैसे के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब ये एक सोच पैदा हुई मेरे पास 1986 में जब मैं MBA कर रहा था आफ्टर इंजीनियरिंग। सही, कि ये मूडीज करके रहा। अच्छा, उस जमाने में मूडीज और S&P इतने बड़े नहीं थे 1986 में, मगर लाइब्रेरी मुझे MBA के दरमियान वो मिल गई किताब उनकी। फिर मैंने प्रोग्रामिंग खुद करी कि किस तरह से कंपनियों की आप रेटिंग्स कर सकते हैं। तो अब कहने की बात यह कि आपको, जब मैंने ये स्टडी किया सारा, तो मैं अमरीका छोड़कर पाकिस्तान आ गया। 92 में मैंने ये कंपनी बनाई, पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, तो मैंने 5-6 लोगों को बोला जाकर के, देखें मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है और मेरे पास एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर मैं रेटिंग्स कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वो सारी रेटिंग्स न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट पर चेक करी अपने मॉडल से जो मूडीज या मूडीज देता था। तो मुझे काफी उसमें आगे, और मैंने फिर पूरा स्टॉक मार्केट की कंपनियों को कंप्यूटर में डाला अपने घर में बैठकर, 450 कंपनियों को। उसके बाद ये रिसर्च शुरू हुई। तो ये रिसर्च अब 30 साल की हो गई, तो साफ जाहिर है। फिर हम लोगों ने जाकर इसको, जब हम लोगों का ये काम हो गया और एक अमेरिकन कंपनी भी आ गई मेरे पास ज्वाइन करने के लिए, जब उसने देखा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम बना है, तो दे लुक आउट फॉर यू नो पार्टनरशिप्स टू एक्सचेंज एंड टू गेट द नॉलेज एंड टू इवन टू कंट्रोल द कंट्रीज परहैप्स, यू नो। तो अब हुआ क्या कि फिर मैंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक गया 1997 में। मैंने उनको कन्विंस किया कि देखें इस्लामिक मार्केट जो डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर इस्लामिक रेटिंग्स बहुत जरूरी है, शरिया रेटिंग्स, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग नहीं करेंगे। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं कि S&P मूडीज विल नेवर सेल कुरान। बिल्कुल, वो एक वेस्टर्न थिंकिंग है। आई कैन सेल कुरान, आई कैन टॉक अबाउट हदीस, आई कैन टॉक अबाउट द फेथ, द एथिकल फाइनेंस, जिसका नाम है, जिसको नेमुल बदल अमरीका भी, और तुम सोचो कि आयरलैंड वगैरह में इधर म्यूचुअल फंड्स हैं जो क्रिश्चियन जिसमें पैसा डालते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी सूद मना है, सूद आप नहीं ले सकते, है ना। तो इसलिए एथिकल फाइनेंस वो डिफाइन करते हैं कि जिसमें एथिक्स हो, गैम्बलिंग नहीं हो, जिसके अंदर आपको ये ना पता चले, अनसर्टिनिटी नहीं हो। जब आप अनसर्टिनिटी को नहीं, कोई इन्वेस्टर्स, वो तो बहुत सारे जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो इस तरह से करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, ये करेंगे, अनसर्टिनिटी क्रिएट करके पैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आई गॉट इनटू दिस करियर और माशाल्लाह से नाउ वी आर, हम लोगों ने फिर पाकिस्तान में कानून भी बदलवाए अपने कनेक्शंस से, अपने सारे लॉयर्स को मीट करके। तो पाकिस्तान का बहुत रोबस्ट सिस्टम है एंड इट इज ग्रोइंग, बट इट विल टेक अ वाइल। मगर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मगर क्योंकि पाकिस्तान एक वीक इकोनॉमी है तो इसीलिए डेट मार्केट हम लोग का ज्यादा डेवलप नहीं हो सका जैसे मलेशिया ने किया। अब टर्की को देखते हैं। अब टर्की जो है वो इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, पार्टिसिपेशन फाइनेंस के ऊपर अब रेगुलेशन इस साल बना रही है। तो इट कुड बी अ वेरी लीडिंग OIC कंट्री लाइक मलेशिया। तो सेंटर ऑफ द हब इस्तांबुल फाइनेंशियल सेंटर के अंदर हो सकता है कि ये काम बहुत बड़े पैमाने पर हो। मगर आपको सुनकर एक खुशी होगी कि इस्लामिक फाइनेंस आज तकरीबन $3.5 trillion की हो गई है विद इन लास्ट 10 years। क्यों? क्योंकि 54 इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां सारे फेथ, तो इस्लामिक फेथ है,
तो वो नहीं पसंद करते कि सूद हो, क्योंकि सूद हराम करार दिया गया। तो एवरीबडी वॉन्ट्स कि सूद से पाक कोई चीज आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स आए। तो वो एक नेचुरल ब्लॉक बन गया कंट्रीज का, जो एक ही तरह के बिलीव्स पे और एक ही तरह की अंडरस्टैंडिंग पे चल रही है। और ये पूरी मगर ये वाली इधर ही नहीं है इस्लामिक में, आप तो बताओ लग्जमबर्ग में, लंदन के अंदर, क्योंकि एथिकल फाइनेंस है ना ये जी। आपने ESG का नाम सुना होगा, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। तो ये मकासदुल शरिया जो है इस्लामिक फेथ, शरिया के अंदर ये तीनों चीजें, क्यों आपको जकात देना पड़ता है, आप खैरात देते हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आप गवर्नेंस जो है आपको हर चीज ट्रांसपेरेंट रखनी, जब आप कोई चीज बेचते हैं तो आपको उसकी खामी भी बतानी है, अच्छाई भी बतानी है, तो ये गुड गवर्नेंस हो गई, ठीक है ना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट, आपको मना किया गया है मजहब में कि आप बिला वजह जानवरों को ना मारेंगे, आप जाकर दरख्त नहीं काटेंगे, अगर आप दरख्त लगा काटेंगे तो उसकी जगह लगाएंगे, ग्रीनरी को सपोर्ट करते हैं। तो ESG पूरे हम लोगों के फेथ में एक पार्ट है जो अब बाहर प्रैक्टिस हो रहा है। तो इसलिए ये एक लिंकेज बन गया है वेस्टर्न कंट्रीज में भी कि इस्लामिक फाइनेंस जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो अब लंदन के सेंट्रल बैंक ने इस्लामिक फाइनेंस के लिए रेगुलेशंस बनाए हैं। वाओ, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग को, क्यों? इसलिए कि वो एथिकल फाइनेंस है। तो हम लोगों का काम, जो हम लोगों की इस्लामिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिर हम लोगों ने बनाई 2002 में, दैट इज द ओनली रेटिंग एजेंसी इन द वर्ल्ड विच सपोर्ट्स Islamic finance and it only is created to cater for OIC countries. तो सिर्फ हम लोग 54 इस्लामिक कंट्रीज में काम करते हैं। आज हम लोगों का काम कोई 16 कंट्रीज में है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ग्रो कर रहे हैं। सो इट इज बियॉन्ड माई लाइफ, एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जैसे S&P Moody's ने बनाया, तो उस तरीके की हम लोगों ने अपना ये एक कंपनी बनाई है। एक ये मल्टी जनरेशनल वो है, effort अब आप लोग कैसे आए इसके अंदर, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप फाइनेंस के अंदर पढ़ें, और एक CFA का एक एग्जाम होता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, वो आप किसी भी मुल्क में बैठकर आप दे सकते हैं और वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। अच्छा, जो रेटिंग एजेंसीज में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए CFA को देना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टॉक मार्केट भी आता है, गवर्नेंस भी आती है, आपकी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट से रिलेटेड चीजें भी आती है, मगर ये इंटरनेशनल इम्तिहान है। ओके, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। ज्यादातर हम लोग, हाँ हम लोग ज्यादातर हायर उनको करने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो ये रेटिंग एजेंसीज में आने के लिए, और जो मैं मुझे मालूम है हम लोगों के पास से जो बच्चे ट्रेन होकर गए सिटी बैंक में, हबीब बैंक में, दुनिया में बाहर चले गए वो, क्योंकि उनको क्रेडिट समझ में आता था, उनको ये तालीम समझ में आती थी कि रिस्क एनालिसिस कैसे होती है। सही। तो क्या है एट द एंड ऑफ द डे, रेटिंग एजेंसी करती कोई इतनी बड़ी कोई तोप नहीं चला रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। क्या है, सिर्फ एक ट्रेनिंग है, मेथोडोलॉजीज है, क्राइटेरिया है, जिसके अंदर हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं। ओके, चलें, थैंक यू वेरी मच फहीम अंकल, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैंने बहुत कुछ सीखा और इस तरह की चीजों को अब मैं दिमाग में रखूंगा, अगर तो आई थिंक कि आगे मुझे भी फाइनेंस में सिर्फ इंडस्ट्री में करियर बनाने में नहीं, बट जनरली अपना बिजनेस शुरू करने में या किसी और बिजनेस रिस्क एनालिसिस है ना, क्योंकि अगर आपको रेटिंग समझ में आती है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रिस्क कम है और आपको अच्छी रेटिंग मिल सकती है। जी, ये वाली बात। Thank you very much, Fahim uncle. It was a pleasure talking to you. And on that note, thank you very much. Same here. So, inshallah, we will be meeting soon. Inshallah. Thank you. Take care. Thank you. And on that note, this is Ilyan Al-Karim signing off. Thank you.